राजधानी भोपाल में 25 जुलाई से 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लॉकडाउन का ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन के पांचवें दिन भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही बनी रही। अति आवश्यक सेवाओं के वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आए, तो वहीं दूसरे छोटे वाहनों से भी लोगों का आना जाना लगा रहा। पुलिस लगातार लोगों को रोककर उनसे पूछताछ करती नजर आई, लेकिन लोगों की आवाजाही राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन को साफ बेअसर साबित कर रही है। राजधानी भोपाल में इस वक्त तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये राजधानी भोपाल के चेतक ब्रिज का नजारा है। हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन का आज राजधानी भोपाल में जो लॉकडाउन लगा है उसका आज पांचवा दिन है, लेकिन लोगों की आवाजाही बराबर यहां जारी है। इस तरह की आवाजाही को देखकर साफ जाहिर होता है कि भोपाल में लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा। हालांकि जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उससे संबंधित वाहन सड़कों पर फर्राटे मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले यहां पर वाहनों की बहुत ज्यादा आवाजाही थी। हल्की बारिश होने के कारण यहां पर कुछ आवाजाही कम हुई है। तो ये भोपाल का, हालांकि पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर यहां पर दोनों ओर बैरिकेटिंग लगाकर यहां पर लोगों से पूछताछ करने की जरूर कोशिश की थी, और ये सिलसिला अल सुबह से ही जारी है। बारिश की वजह से इस काम में जरूर कुछ रुकावटें आई है, लेकिन अनादि टीवी भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि जब राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई है, टोटल लॉकडाउन के लिए आदेश जारी किए हैं, तो ऐसे में लोग जब बेहद जरूरी हो तब ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें और अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल, सोनी अनादि टीवी, भोपाल।